गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 10th मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में से हमारा चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन, उसमें 11.1 हमारा चल रहा है। अब इसमें से सम नंबर 4 हम लेंगे। सम नंबर 4 है, कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हुज बेस इज 8 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर एंड देन अनदर ट्राइंगल हुज साइड आर 1/2 टाइम्स द करेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब हमें इसमें एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना है जिसका बेस हमारे पास 8 सेंटीमीटर है और एल्टीट्यूड है 4 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड मीन्स हाइट, बराबर ना? एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, तो इसकी हाइट जो है वो 4 सेंटीमीटर है। और इसके बाद हमें एक और दूसरा ट्राइंगल बनाना है जो इसका करेस्पॉन्डिंग एंगल होगा, करेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल बनेगा और कितना बड़ा होगा, तो 1/1/2 यानी 3/2, बराबर ना? इस तरह से हमें दूसरा ट्राइंगल भी बनाना है। तो देखो, रफली आपको मैंने यहाँ बना के बताया है कि रफली जो है हमारा ट्राइंगल इस तरह से बनेगा। हमारी ये शेप, ये ट्राइंगल जो वो इस तरह से बनती, बराबर। पर ये बनाना कैसे है, ये सबसे बड़ा प्रश्न होता है, सबसे बड़ा टेंशन यही होता है। तो चलो हम स्टार्ट करेंगे हमारा सम नंबर, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो, ये जो है यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है बेटा, ये मेरे से, बिकॉज मेरे से दोनों चीज़ें साथ में नहीं हो रही है, या तो मैं वीडियो बना सकती हूँ या तो ड्रॉ करूँगी, बराबर। तो यहाँ पे देखो, मैंने 0 to 8 जो है वो मैंने हमारा ये ले लिया है, बराबर ना? ये देखो इस तरह से, बराबर। अब हमें इसमें क्या करना है, तो मेरा जो हमारा डिवाइडर है उसको हाफ से ज़्यादा हम ओपन करेंगे और फिर यहाँ से कट करेंगे और यहाँ से इस तरह से कट करेंगे, बराबर। ये हमें एल्टीट्यूड बनाना है इसलिए हम इस तरह से कर रहे हैं, बराबर, इस तरह से। फिर सेम डिस्टेंस हम यहाँ से भी लेते हैं और यहाँ से और यहाँ से, बराबर। इसके बाद जो है हम इन दोनों को जॉइन करेंगे, देखो, बराबर है ना? इन दोनों को मैंने जॉइन करा। देखो, अभी आप इसमें देखोगे तो हमारा ये जो आया वो बराबर हाफ पर ही बना है। देखो यहाँ पे ये जो 4 है ना, हाफ पर ही बना है ना ये, बराबर। तो हमने विदाउट स्केल की मदद से जो है हमारा एल्टीट्यूड बनाया पूरे हाफ पर ही, बराबर ना? कैसे, तो हमारा जो हमारा डिवाइडर जो है उसको हाफ से ज़्यादा ओपन करेंगे हम और दोनों साइड कट लगाएंगे, सेम चीज़ रखेंगे और यहाँ इन दोनों साइड कट लगाएंगे और दोनों को जॉइन करेंगे, बराबर ना? अब हमें क्या है, ये 4 सेंटीमीटर बनाना है, बराबर। तो 4 सेंटीमीटर बनाना है, तो चलो अब हम इसमें हमारा डिवाइडर जो है वो 4 सेंटीमीटर ओपन करेंगे, देखो इस तरह से, बराबर। ये 4 सेंटीमीटर हमने, देखो ये 4 सेंटीमीटर है ना, ये 4 सेंटीमीटर हमने ओपन करा है। अब एक कट में लगाऊंगी, कहाँ पर, इस तरह से। तो यहाँ जो है मेरा 4 सेंटीमीटर बनेगा, बराबर। इस तरह से मैंने एक कट लगाया, बराबर ना? अब इसको मैं जो है जॉइन करूँगी, अब जॉइन करने के बाद जो है मैंने यहाँ पूरा आपके लिए बनाया हुआ ये, बिकॉज इसमें मेरा डिवाइडर हिल जा रहा है और ये आपको ध्यान रखना है, मेरा ये क्या पैरेलल ये लाइन, देखो ये जो है थोड़ी इसमें ज़्यादा गैप हो गई, ऐसा होना नहीं चाहिए, आपका बराबर अच्छे से पैरेलल ही बनना चाहिए, तो ही आपके करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो सेम बनेंगे, बराबर ना? मेरा डिवाइडर मुझसे हिल जा रहा है इसलिए ये चीज़ हो रही है। अब देखो हमने क्या करा, यहाँ पे भी वो बनाया हुआ, बराबर, कि इस तरह से हमने पहले बनाया, फिर हम फ्री हैंड हमारा डिवाइडर ओपन करेंगे और हम क्या करेंगे, 3/2 है यानी हमें 3 कट लेने, बराबर। तो ये 1, 2 और 3 फ्री हैंड, बराबर ना?
अब देखो, अब हमें क्या करना है कि हमारा पॉइंट टू से वापस हमें फ्री हैंड हमारा डिवाइडर ओपन करना है और यहाँ पर एक एंगल बनाना है। बराबर, देखो मैंने बनाया हुआ है इस तरह से, पॉइंट बी पर रखकर मैं ये एक एंगल बनाती हूँ। बराबर, फिर इसे बिना उठाए मैं क्या करूँगी, पॉइंट सी पर जहाँ से मुझे दूसरा मेरा एंगल बनाना है, बराबर ना, वहाँ पे रख के मैं वापस मेरा, देखो मैंने इस तरह से बनाया। बराबर, हमें इसमें कुछ नहीं करना है कि जितना पॉइंट बी पर हमने ओपन करा उतना ही पॉइंट थ्री पर रखकर हमें आर्क बना देना है। बराबर, अब हम क्या करते हैं कि हमारा ये जितना आर्क है वो मेजर करेंगे। बराबर ना, हर बार हम यही कर रहे हैं ना, तो ये देखो ये हमने मेजर करा और यहाँ से इस पॉइंट पर से रखकर इसे यहाँ से इस तरह से कट करेंगे। कौन से पॉइंट पे रखा हमने, तो जहाँ पे हमारा आर्क बना हुआ था उस पॉइंट पर। बराबर ना, यहाँ से इस तरह से हमने कट करा। बराबर, अब कट करने के बाद जो है हमें हमारा ये बढ़ाना पड़ेगा, तो हम जो है देखो ये सी पॉइंट जो है एक्चुअली मेरा इस ऐसे ऐसे आएगा, है ना, तो ये जो है मेरा सी पॉइंट की लाइन में बनाऊँ तो थोड़ी इस साइड आ रही है। बराबर ना, आपको दिख रहा होगा, तो थोड़ी जो है इस साइड लेकर ऊपर भी ऐसा ही होगा। बराबर, तो ये इस तरह से आपको लेना है और लाइन बनानी है। फिर अब हम ये लाइन आगे बढ़ाते हैं और इसे नाम देते हैं सी डैश। हमारा एक्चुअल एंगल ए बी सी है, हमने ये सी डैश बनाया। बराबर, अब सी डैश बनाने के बाद हमें यहाँ ऊपर भी हमारे एंगल्स बनाने पड़ेंगे, तो सेम चीज़ जो हमने नीचे रिपीट करी है, हमारा डिवाइडर फ्री हैंड ओपन करेंगे, कट मारेंगे, सेम कट उसी पॉइंट पे रखकर दूसरा कट मारते हैं। बराबर, इस तरह से जिस तरह से मैंने मारा हुआ है, फिर इसका बराबर एक्यूरेट माप लो आप। माप लेने के बाद इस पॉइंट पर रखकर वापस जो है सी पॉइंट पर रखकर दूसरा कट मारते हैं। बराबर, फिर हमें जो है ये लाइन इसके साथ मिलाना है। बराबर ना, और लाइन मिलाने के बाद जो है जो चीज़ हमने यहाँ करी सेम टू सेम वही चीज़ हमें ऊपर रिपीट करना है। बराबर ना, और ये जो है एग्ज़ाम के इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है बेटा, इसलिए ये आपको आना ही चाहिए। बराबर ना, 3.2 दिया है, यानी आपका जो एंगल बनेगा, दूसरा एंगल जो बनेगा वो आपके एक्चुअल एंगल से बड़ा होता है। बराबर ना, तो देखो यहाँ पे ये बड़ा भी बन रहा है, पर ये थोड़ी आप जो है कंस्ट्रक्शन में ध्यान रखना, मेरे से भी इसमें भूल हुई है। बराबर ना, ये जो है मेरा डिवाइडर हिल जा रहा है, इसलिए मेरा जो है एंगल बराबर नहीं बन रहा है। पर आप जब भी ये डिवाइडर और जो भी लो वो सब अच्छा लेना। बराबर, इसलिए आपका ये जो है एकदम एक्यूरेट बने। तो इस तरह से जो है मैं ये पॉइंट यहाँ से बढ़ाऊँगी, तो इसे ए डैश नाम दे देते और ये ए हमारा था। बराबर, तो देखो आप ऐसे रफली देखो तो आपको पता पड़ जाती है कि ये जो है हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं। बराबर ना, तो इसी तरह से जो है हमारा फिफ्थ वाला और ये सिक्स वाला सम है, तो वो आप करोगे। बराबर, इसमें आपको प्रैक्टिस की ही ज़रूरत है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी से आ जाएगा। देखो ये इसमें इस तरह से दिया हुआ है। बराबर, है ना, तो और इसके कंस्ट्रक्शन के स्टेप देखो यहाँ पर। बराबर, ये इनके स्टेप है ना, तो इसका जस्टिफिकेशन भी है। बराबर, तो ये जो है आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। तो ये जो है हमारा सम नंबर 4 यहाँ पे पूरा होता है, और फिर फिफ्थ और सिक्स जो है आप फिफ्थ सिक्स और सेवन जो है आप खुद से करोगे। बराबर ना, देखो उसके मैं आपको बता देती हूँ, इमेज बता देती हूँ ऐसा होता है ना। तो देखो ये उसमें हमने जैसे बनाया है ठीक उसी तरह से बनाना है। बराबर ना, देखो ये फिफ्थ वाला, ये सिक्स वाला और ये सेवन्थ वाला, तो ये जो है हमारी 11.1 यहाँ पर पूरी होती है। और अब हम 11.2 स्टार्ट करेंगे।